अब मैं हमारे इस सेशन के अगले स्पीकर मिस्टर जसवीर सिंह को बुलाना चाहूँगी. मिस्टर जसवीर सिंह इज एन एक्स पुलिस ऑफिसर हु स्टैंड्स विद ज़ील, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड स्ट्रगल्स दैट ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू. ही विल बी स्पीकिंग ऑन सिस्टेमिक करप्शन इन द पुलिस डिपार्टमेंट. सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं सेवानिवृत्त अधिकारी नहीं हूं. मैं अपनी सेवा में हूं. मैं इस समय पुलिस महानिदेशक के पद पर हूं उत्तर प्रदेश काडर में. और मैं अक्सर ऐसे जो कन्वेंशन होते हैं वो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. मेरे लिए शिक्षा का एक स्रोत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं अक्सर जाता हूँ, सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ कि जो बातें आप जैसे महानुभाव एक्टिविस्ट एजुकेशनिस्ट टीचर्स जो बातें बताते हैं उनको मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता हूँ, अपनी नौकरी में के दायरे में रहते हुए अथवा उसके बाहर भी. काफ़ी बार मैंने कोशिश की और बहुत ही सफलतापूर्वक जो है काफ़ी अच्छे कार्यों को, जिसको आप सराहना भी करोगे. मेरे पास इतना समय नहीं, मैं सब बता पाऊँ, लेकिन कुछ झलक मैं आपको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ चीज़ों. मैं किसान का बेटा हूँ, एक फौजी का बेटा हूँ. मेरे पिताजी फौज में थे, एक सिपाही थे, बहुत छोटे कर्मचारी थे. और उन्होंने बहुत ही अच्छी जो अध्यात्म की एक शिक्षा होती है बचपन से, और नैतिकता के कई पाठ पढ़ाए. मुझे याद है कि बचपन में जब वो हल चलाना सिखाते थे, मैं चूँकि किसानी परिवार से हूँ, तो हमारे यहाँ एक पलटवी हल होती है जो बहुत खतरनाक होती है. हर जगह होती होगी, उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा वो बहुत सा, उसका फाल बहुत बड़ा होता है और उसको चलाने में बड़ा खतरा रहता है. तो मैं छोटा सा बच्चा था, सातवीं कक्षा में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी मुझे हमेशा लालच देते थे. मुझे भी अच्छा लगता था खेती का काम करना. पढ़ाई मुझे बहुत ज़्यादा नहीं उसमें आती थी, मेरी रुचि भी नहीं बन पाई थी. तो पलटवी हल चलाते हुए बहुत सी बातें बताते थे. और बगल के जो किसान थे वो अक्सर कहा करते थे कि बहुत छोटा बच्चा है, इसको अभी मत हल चलाना सिखाओ, इसकी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी. तो मेरी टांगें थोड़ी टेढ़ी हैं भी, लेकिन यह है कि पुलिस में भर्ती होने के लिए उतनी टेढ़ी टांग चल जाती है. तो मैंने खूब खेती की, काफ़ी हल चलाई. और वो पलटवी हाथ जो हल चलाते थे हम लोग, उस समय बहुत सी अच्छी अच्छी बातें पिताजी मुझसे करते थे. और उस तरह से शिक्षा मुझे बचपन से परिवार से, जैसे सब लोगों को मिलती है, माँ से. माँ कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षक. मैं मानता हूँ कि दुनिया में अगर कोई अच्छी शिक्षक है तो माँ है और पिता है. तो कभी स्कूल नहीं गई पढ़ने के लिए, मौका नहीं मिला. पिताजी टेंथ पास थे, उनको बड़ा शौक था कि मैं तो सिपाही बना फौज में, लेकिन मेरे बच्चे ऑफिसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे. और एक बात जो मुझे बहुत स्मरण होती, बार बार मेरे दिल में खटकती है और मेरे दिमाग में रहती है, और जब भी मैं नौकरी में कहीं मुझे लगाया जाता है, हालांकि बहुत कम समय में लगाया जाता है, 2 दिन 4 दिन 15 दिन 38 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 24 साल की नौकरी में सबसे बड़ा जो मेरा कार्यकाल रहा, जिसमें मैं पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात रहा, वो था 2.5 महीने जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश. तो 2.5 महीने मेरे लिए बहुत थे. लेकिन बात वही मैं करना चाहता हूँ कि एक बड़ा सामान्य सा एक इम्प्रेशन, प्रभाव जो लोगों पे पैदा कर दिया गया है कि पुलिस विभाग में 100% लोग ही भ्रष्ट होते हैं. मैं मानता हूं कि पुलिस का जो भ्रष्टाचार है वो मात्र हमें स्पर्श नहीं करता, रौंद देता है. वो हमारी जो सामान्य व्यक्ति हैं, इस देश के नागरिक हैं, उसको रौंद रहा है. बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको दूंगा बहुत से सीमित समय में. लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक पुलिस जो है, और अक्सर हम उसको भूल जाते हैं, उस पुलिस को भी स्मरण रखना होगा, दिमाग में रखना होगा. ऐसा वर्ग भी पुलिस में है जो अपनी अपने प्राण तक अपना बलिदान देने को तैयार बैठा है, लेकिन उसका बलिदान लेने के लिए कोई तैयार नहीं. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमें उस तरह का पुलिस अधीक्षक चाहिए जो हमें लिफाफा दे. हमें बलिदान नहीं चाहिए, लिफाफा चाहिए. अक्सर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में पुलिस हो या राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, इसका गढ़ बन चुका है. बहुत से और प्रदेश भी हैं, मैं और से लोगों की बात भी सुनता हूं, लेकिन सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना चाहता हूं.
लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में मैंने उस जीवन को जिया है, देखा है, वो पीड़ा, वो चीख मैंने लोगों की सुनी है। लेकिन एक तथ्य उसमें यह भी है कहीं ना कहीं, जिसका कि हमारा मुख्य धारा का जो मीडिया है उसको हमेशा हाईलाइट नहीं करता, कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं अपने बैच में 8-9 लोग होंगे, उसमें से 3-4 लोगों के नाम मैं आपको गिनवाना भी चाहता हूं। हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन कोई भी नेता ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान पे हमारा पोस्टिंग नहीं करना चाहता कि जहां हम आपकी सेवा कर सके, तो हम कैसे सेवा करने वाले। तो बहरहाल मैंने तो एक रास्ता ढूंढ लिया था, मैंने काफी पिटिशन भी फाइल की, बल्कि ब्लैक मनी में जब पिटिशन तैयार हो रही थी, रामजेठ मलानी जी की पिटिशन के अलावा एक और पिटिशन फाइल हुई थी, जिस पे मैंने 2 साल शोध किया था, 2006 से लेकर 8 तक, और 9 में मैंने वो फाइल करवाई थी। इंडिया रिजुविनेशन इनिशिएटिव नाम की एक डिस्कशन ग्रुप हमने ऐसे बनाया था, कोई संस्था नहीं है, कभी फंडिंग नहीं किसी से लिए, अपनी तनख्वाह से 5,000 रुपए लोग देते थे, उसी से हम लोगों ने 4-5 पिटिशन फाइल की। और जब उसको हमने फाइल किया तो सरकार ने हमारा स्पष्टीकरण लिया, होम सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इस गिरोह का सरगना जसवीर सिंह है और उसने ये भारत पुनरुत्थान अभियान चलाया है और उसमें तरह तरह की चीजें सरकार के खिलाफ लिख के देता है, विच इज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। ये एक सरकारी अधिकारी के आचरण के विपरीत है और तत्काल इनको बर्खास्त कर दिया जाए। 4 साल मैं एसपी बना रहा, डीएजी बना रहा, मुझे मेरे सारे बैचमेट को आईजी बना दिया गया, मुझे बहुत शौक नहीं है प्रमोशन लेने का, इस तरह की व्यवस्था जो भ्रष्टाचार से व्याप्त हो, लिप्त हो, उसमें प्रमोशन हो ना हो तो बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता। ये बातें मेरे पिता ने मुझे सिखाई, वही पलट भी हल चलाते हुए उन्होंने बहुत सी बातें बताई जो बहुत एक प्रेरणा स्रोत बनी मेरी जिंदगी में। और मुझे लगता है कि अगर आज मैं जीवित हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, हालांकि मेरे लाइफ के 2 बार अटेम्प्ट भी हुए, प्रतापगढ़ में जो मैंने कार्य किए लोगों को पसंद नहीं आए, कुछ माफिया को पसंद नहीं आए, कुछ मुख्यमंत्रियों ने उन लोगों का साथ दिया, एक गुंडा वहां पे था जिसको लोग राजा भैया कहते थे, लेकिन वो ना राजा है ना भैया है, वो एक गुंडा है। अभी निखिल भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो अपराधीकरण है हमारी राजनीति का, वो बहुत बड़ा इस देश में मुद्दा है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हमें काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा, जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम क्यों नहीं करने दिया जाता, चूंकि जो राजनीतिक गुंडे हैं जिन्होंने प्राइवेट आर्मीज पाल रखी हैं और पुलिस भी उनके साथ है। मैं आपको ये भी बता दूं, भ्रष्टाचार में अगर आप रेटिंग करो तो आज की डेट में जो भ्रष्टाचार लोगों की जिंदगियां रौंद रहा है उसमें सबसे ऊपर मैं पुलिस के भ्रष्टाचार को रखना चाहूं, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा गया हो कि आपको सामान्य जन की रक्षा करनी है, अगर वो भिक्षुक हो जाए और भ्रष्टाचार में और अपराध में शामिल हो, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता, उसका कहीं आईपीसी किसी कानून में उसको लेकर। तो दोस्तों साथियों, मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस तरह की जो शिक्षा है, घर से लेके हमारे टीचर साहबानों से लेके आप जैसे व्यक्तियों से लेके हम लोगों ने कोशिश की कि व्यवस्था में रहते हुए कैसे आप लड़ सकते हो उनसे। बहुत बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई गुंडा एलिमेंट्स हैं, बहुत बड़े उनको सपोर्ट मिलती है, आज की मुख्यधारा का मीडिया भी उनके साथ खड़ा मिलता है। तो हम लोगों ने कोशिश की, जहां भी जब मैं पहले सबसे पहले मेरठ मेरी पोस्टिंग हुई तो हमारे डीआईजी साहब थे श्री विक्रम सिंह जी, आजकल टेलीविजन पे आपको मिलेंगे उपदेश देते हुए, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी हमारे जो डीआईजी थे, उन्होंने हमारे चरित पंजिका में बहुत कुछ लिखा और मुझे लगता है कि वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत ही था। मुझे एक रिवॉर्ड उन्होंने दिया जिसके लिए मेरी कई साल प्रमोशन भी रुकी रही। उसका कारण ये था कि वहां पे जितने भी होटल वाले थे उन सबके यहां से जो अच्छा पनीर बने, अच्छा अच्छी सब्जी बने, वो सारी उनके घर में डेली जाती, कुछ भी अच्छी चीज उस टाउन में मेरठ में होती थी, कुछ भी पैसा बढ़ता था, एग्जाई जिसको कहते हैं पुलिस में, अब मैं भ्रष्टाचार पे आ रहा हूं, पुलिस में भ्रष्टाचार कैसे होता है आपको सब मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा मुख्य उद्देश्य ये होगा कि मैं आपको बताऊं कि कैसे मैंने उस भ्रष्टाचार से अंदर रहते हुए लड़ने का प्रयत्न किया। तो ये जो एग्जाई होती है ये इकट्ठी होती है, 2 नंबर का पैसा जो काला धन इसको बोलो, किसी की बहू बेटी का रेप हुआ उसमें भी पैसा लिया जाता है,
किसी के भाई की हत्या हो गई उसमें भी पैसा लिया जाता है, थाना बिकता है, ये सच्चाई है। एसएसपी बिकते हैं, डीआईजी बिकते हैं, आईजी बिकते हैं, डीजीपी सबसे ज्यादा बिकता है और उसका बहुत बड़ा मोल लगता है। जिस व्यवस्था में डीजीपी बिका हो, आईपीएस ऑफिसर्स बिके हो, उससे आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लेकिन उस व्यवस्था में रहते हुए भी 2-3-4-5% लोग ऐसे हैं, मैंने आपको कहा कि वो लोग हर तरह का बलिदान देने को तैयार है लेकिन उनके बलिदान का कोई लेने वाला नहीं। चूंकि वहां पे लिफाफे बाजों का जमाना है, एक्साइज का जमाना है, पैसे का जमाना है। महीना मुझे याद है कि मेरठ में जब मैं था तो एक जगह जुआ हो रहा था, मैंने जाके रेड की तो पकड़ी गई, एक छोटी सी डायरी थी उसमें विक्रम सिंह साहब का नाम लिखा था, मेरे एसएसपी का नाम लिखा था, आगे लिखा था 5 लाख रुपए। तो मुझे समझने में कुछ देर लगी चूंकि इस तरह के माहौल में मैं पला नहीं था। मैंने कहा भैया ये 5 लाख रुपए क्या तुम्हारा हिसाब किताब है, क्या तुम रखते हो? जो कहा नहीं सर ये तो हम डीआईजी साहब को देते हैं इतना, उनको शराब का पैसा अलग आता है, उनको केसों का, एक एक केस जो आपके हमारे भाई की हत्या होगी, किसी की हत्या होगी, उसमें विवेचना खराब करने का पैसा जो है वो भी उनको मिलता है। तो लगभग उस समय एसएसपी का जो एक मंथली था, 1994 की बात कर रहा हूं, 24 साल की नौकरी हो गई मेरी अभी, 1994 में 25 लाख रुपए का क्या मोल होगा आज की डेट में, इस बात को भली बात समझ सकते हैं। 25 लाख रुपए आज की डेट में तो वो 1 करोड़ से भी ऊपर हो जाए। अच्छा, मेरठ बहुत मालदार डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, बहुत पैसा भी है कुछ लोगों के पास, 2 नंबर का पैसा भी है, और पुलिस के लिए बहुत ही कवेटेड पोस्टिंग होती है मेरिट की। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त आज तक है, उसका स्केल बढ़ गया होगा, वो 25 लाख हो सकता है 50 या 1 करोड़ तक पहुंच गया हो, लेकिन व्यवस्था वही है। बात यहां ना राजा भैया की है ना विक्रम सिंह की है, बात है कि उस व्यवस्था पर कैसे हथौड़ा चलाया जाए। कल बहुत अच्छी बात मुझे लगी, शांति भूषण जी ने बहुत अच्छी बात की जो मेरे लिए, इसलिए मैं इस तरह की कॉन्फ्रेंस में आता हूं और बोलता भी हूं जितना हो सके। हालांकि लोग बड़ी ताक में रहते हैं मैं कुछ बोलूं और वो सस्पेंड करें, क्योंकि मेरी फाइल पे लगभग 5 बार लिखा गया कि इसको बर्खास्त कर दिया जाए क्योंकि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ पे गुप्ता जी, मुझे लगता है कि मुझे इनसे चेकअप करवा लेना चाहिए, इनका कोई परिचित होगा मेंटल हॉस्पिटल में। अगर मेरा मानसिक संतुलन खराब है तो इसलिए खराब है कि चूंकि कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं भी थोड़ा सा हथौड़ा नहीं हथौड़ी चलाता हूँ थोड़ी थोड़ी। तो शांति भूषण जी से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कल, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने कल शाम कि अगर इस देश का हर व्यक्ति, जिस तरह हम यहां इकट्ठे हुए हैं हम हथौड़ा चलाते रहेंगे, इतनी चोट पहुंचेगी भ्रष्टाचार को कि भ्रष्टाचार पगला करके इस देश को छोड़कर भाग जाए। कितनी बड़ी बात है, मैं कल से यही मेरे दिमाग में घूम रही है कि वो छोटी सी हथौड़ी जो मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं उसको मैं कैसे हथौड़ा बनाऊं और कैसे तलवार बनाऊं उसको। तो साथियों दोस्तों बातें बहुत हैं, इसी तरह की मैं एक बात खाद्यान्न घोटाले की बताना चाहता हूं आपको। बहुत बड़ा एक खाद्यान्न घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैं उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। वाजपेयी जी जब वहां पे आए प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जो खाद्यान्न घोटाला, जो खाद्यान्न चोरी किया जा रहा है, गरीबों के मुंह से खाद्यान्न चुरा के जो बेचा जा रहा है, उस खाद्यान्न के घोटाले में जो भी हुआ, लोग बहुत से लोग उनके पास प्रार्थना पत्र लेकर गए और बड़े भावुक हो गए प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा मेरी लोकसभा क्षेत्र में ये सब हो रहा है, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो ईमानदारी से इसकी जांच कर सके। तो वहां पे एक सेक्रेटरी साहब बैठे, उन्होंने कहा जसबीर सिंह साहब को हम जांच देते हैं। तो सौभाग्यपूर्ण मुझे अवसर मिला, मुझे बनाया गया और मेरे जो मुख्यमंत्री थे उस समय खुश नहीं थे कि मुझे बनाया गया। बहरहाल मैं गया लखीमपुर खीरी, मैंने 2 महीने कैंप किया, जैसे आज के हमारे भाई एक्टिविस्ट लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, राजस्थान की भी मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है ये भी। तो मैंने 2 महीने वहां कैंप करके जांच की, एक एक घर में मैंने गया और मैंने पूछा कि वो खाद्यान्न कहां गया। बहुत सारा खाद्यान्न का वो हिस्सा जो ट्रक के ट्रक आए थे वो गाड़ियों पे लाद के बांग्लादेश पहुंचा दिया गया माफियाओं द्वारा, उसमें मंत्री भी शामिल थे, उसमें मुख्यमंत्री के कुछ लोग भी शामिल थे। उनको यही खतरा था कि कहीं जांच होते होते कहीं हमारे इन लोगों तक ना पहुंचाए। तो बहरहाल जांच हुई, बड़ी अच्छी जांच हुई, 2 महीने बहुत अच्छी, बल्कि आज भी सीबीआई वाले ऑफिसर मुझे मिलते कहते हैं सर जो लखीमपुर खीरी की जांच थी उसी में साक्ष्य एकत्र हुआ, बाकी सब
धोखा कर दिया गया, कुछ भी उसमें कन्विक्शन होने लायक नहीं है। और मुझे 2 महीने के बाद इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसमें मंत्री आ गए, उसमें मुख्यमंत्री के कुछ लोग आ गए, उसमें जो MP था जिसने कंप्लेन की थी उसके कुछ लोग आ गए, वो सीधा खुद भी फंसने लगा। तो इस तरह से जांच को वहीं काट दिया गया। फिर मैं वही कहूंगा कि ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं।